आज मैं आपको जिस जगह की सैर करवाने आया हूँ वो है कामरान की बारादरी। ये बारादरी इसलिए क्योंकि इसमें 12 दरवाजे हैं। एक ये दरवाजा है, एक ये है, दूसरा दरवाजा, ये तीसरा दरवाजा, इसकी चार अतराफ हैं और चारों में तीन तीन दरवाजे हैं और चार तिया 12 होता है। ये जो भी बादशाह अपने लिए बारादरी बनवाता था ये बेसिकली उसके लिए एक टहलने की जगह होती थी। सानू कुछ होएगा तो नहीं ना, मेरा ले ब्याह नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आपको जिस जगह की सैर करवाने आया हूँ वो है कामरान की बारादरी। अब ये कामरान की बारादरी इसको क्यों कहा जाता है? कामरान मिर्ज़ा जो था वो ज़हीरुद्दीन बाबर जो के मुगलिया सल्तनत के पहले बादशाह थे बड़े सगीर में, उनका बेटा था मिर्ज़ा कामरान। उसने 1930 में लाहौर पर जब कब्ज़ा किया ज़हीरुद्दीन बाबर के बाद, तो हुमायूं ने जो बादशाह बना अगला ज़हीरुद्दीन बाबर के बाद उसने उसको यहाँ का गवर्नर बना दिया। उसके बाद कामरान ने 1940 में ये बारादरी लाहौर में बनवाई रावी के उस पार। लेकिन ये जो हिस्सा है अब रावी का रास्ता तब्दील करने की वजह से एक जजीरा की शक्ल इस रास्ते ने अख्तियार कर लिया। इसके अलावा ये बारादरी इसलिए क्योंकि इसमें 12 दरवाजे हैं और इसकी कुछ हिस्ट्री इस तरह से भी है कि मुगल शहनशाह जो जहांगीर थे उनके जो बेटा था खुसरो उसको और उसके 300 साथियों को यहाँ सजा सुनाई गई थी। उसके 300 साथियों को यहाँ बगावत के जुर्म में कत्ल किया गया और खुसरो को नाबीना किया गया। तो चलें, ये सारी तो हिस्ट्री इसकी होगी मुकम्मल, अब आप इसके अंदर की सैर करवाते हैं।
ये बारादरी बहुत बड़ी है और इसके 12 दरवाज़े हैं मेरे ख्याल से। ये इस तरह से स्टार्ट होती है, एक ये दरवाज़ा है, उसके बाद एक ये है, दूसरा दरवाज़ा, ये तीसरा दरवाज़ा। और अगर इन तीनों को देखा जाए तो इसकी चार अतराफ हैं और चारों में तीन तीन दरवाज़े हैं और चार तिया 12 होता है, तो इसलिए इस जगह को बारादरी कहा जाता है। इस जगह को, खुले जगह को आप दरवाज़ा नहीं गिन सकते। ये जो जगह है बेसिकली ये बारादरी का मेन हिस्सा है। ये बारादरी जो है इसका दो तहाई हिस्सा है वो पानी की वजह से और सैलाबों की वजह से तबाह हो गया, और दो तहाई हिस्से के बाद भी इसका इतना बड़ा हिस्सा बचा हुआ, तो सोचिए ये बारादरी कितनी बड़ी होगी। तो अब इसके आपको अंदर से भी मैं दिखाता हूँ सारा। ये इसका एक दरवाज़ा है, यहाँ पर दिए रखे हुए हैं पता नहीं किस वजह से, और यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई दरबार वगैरह भी है यहाँ पर। ये इस बारादरी का सेंटर है। ये जो भी बादशाह अपने लिए बारादरी बनवाता था, ये बेसिकली उसके लिए एक टहलने की जगह होती थी, वो यहाँ आके टहला करते थे। यहाँ पर आवाज़ भी बहुत ज़्यादा गूंज रही है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप ब्यूटीफुल कलर्स हैं और फूल फ्लावर बने हुए हैं, उस वक्त की पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई हैं। ये एक दरवाज़ा है, ये दूसरा दरवाज़ा है, ये तीसरा दरवाज़ा और वो चौथा दरवाज़ा है। और इसके अलावा इसमें छोटे छोटे और भी दरवाजे हैं, और इसमें सीढ़ियाँ भी हैं। मैं सीढ़ियों से आपको ऊपर ले जाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं कि खुली हों बस, तो खुली हों ना तो मज़ा आ जाए। खुली हैं ये जो सीढ़ियाँ हैं, और ये एज़ ऑलवेज ये फ्लैट सीढ़ियाँ जो हर जगह की होती हैं। और ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है, वहाँ पर कोई आदमी सोया भी हुआ है उसको डिस्टर्ब नहीं करते, इस तरफ से चले जाते हैं। ये बारादरी उस हालत में नहीं रही जैसे पहले थी, फिर भी इसकी काफ़ी मरम्मत की गई। इसके ऊपर एक और सीढ़ियाँ ये जा रही हैं इसकी छत की तरफ, इसकी छत दिखाते हैं आप जी। तो ये है जी कामरान की बारादरी, इसकी छत की तरफ आने वाली ये दो सीढ़ियाँ, एक यहाँ से ऊपर आया जा सकता है और एक यहाँ से ऊपर आया जा सकता है। इसके अलावा इससे यहाँ के पूरे बाग का और रावी का नज़ारा लिया जा सकता है। यहाँ पर बड़े बड़े सुराख बने हुए हैं ताकि बारिश में अगर यहाँ पर पानी जमा हो तो यहाँ से निकल जाए। ये आप देख सकते हैं ये बारादरी का पूरा बाग है। ये सीढ़ियाँ हैं कुछ इस जगह पे वापस आने के लिए। इधर से हम आए थे, इधर से वापस चलते हैं। इतनी फ्लैट जगह रखते होते थे सीढ़ियों की कि पता ही नहीं चलता था कि सीढ़ियाँ कहाँ पर हैं, मतलब सीढ़ियाँ ढूंढ ढूंढ के खप जाता है। और ये आगे हम सीढ़ियों से नीचे, ये मेरे ख्याल से फाउंटेन्स की जगह बड़ी बड़ी थी।